भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना। लोकसभा चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप लगाना आम सी बात है। जरा सोचिए, अगर एक पार्टी का स्टार प्रचारक दूसरी पार्टी के लिए वोट मांगने शुरू कर दे तब क्या हो, और ऐसा वो खुले मंच से कहे। ऐसी स्थिति में आप इसे जबान फिसलना कहेंगे या फिर मन की मंशा सामने आना कहेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ सपा के शिवपाल सिंह यादव जी के साथ। जी हाँ, जसवंत नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बोल रहे थे शिवपाल सिंह यादव। समाजवादी पार्टी के मंच से खुले तौर पर आम कार्यकर्ताओं से भाजपा को जिताने की उन्होंने अपील कर दी। अब जरा समझिए आखिर हुआ क्या। दरअसल शिवपाल सिंह यादव मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे। कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान शिवपाल सिंह यादव की जबान फिसल गई। भरे मंच से संबोधन के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कहा, अखिलेश को सुनाना है और आप लोगों को सुनना है। 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी मार्जिन से जिताना है। शिवपाल सिंह यादव के संबोधन को सुनकर लग रहा है कि मानो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने अंदरूनी रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। अब जरा सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ क्या हुआ होगा। अखिलेश न बोलने के रहे न कुछ कहने के। अगर सपा के समर्थकों ने सपा के स्टार प्रचारक शिवपाल यादव की बात मान ली तब क्या होगा। इटावा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप बोलना है और आप सब लोगों को सुनना है, और फिर 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है, और इसलिए भी जिताना है। आपके सामने पर कई बार बहुत चुनौतियां आई हैं, लेकिन आपने उन चुनौतियों का